आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जनाहत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, ईद आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करने के लिए इस वक्त मैं खेत में हूँ। तो दोस्तों तो आज जो है खेत के हवाले से व्लॉग बनने जा रहा है। यहाँ पर देखे तो माशाल्लाह सर सब खेत जो है मौजूद है। और मौसम की बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बन रहा है, यानी कि ठंड है यहाँ पर। तो वैसे देखा जाए तो मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ठंड भी है। और यह यकीनन मौसम अच्छा ही लगता है मेरे ख्याल में। मुझे गर्मी वाला मौसम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना सर्दी वाला अच्छा ही लगता है। तो दोस्तों देखे तो ये एक बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा, बहुत ही बहुत बड़ा खेत है। और दूर दूर तक ज़्यादातर सरसब्ज घास ही नज़र आती है। देखें आप चारों तरफ के सरसब्ज घास ही आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ज़्यादातर घर मौजूद नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ही घर मौजूद है, वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ और आपको वो सफ़ेद सफ़ेद से सफ़ेद सफ़ेद जो है नज़र आ रहे होंगे, इसको हमारी ज़बान में बगले कहते हैं। बगले सफ़ेद होते हैं, बगले कहते हैं इसे हमारी ज़बान में, ठीक है। तो हमारी ज़बान जो है सरैकी है, हम ज़्यादातर सरैकी बोलते हैं। और यकीनन पंजाबी भी आती है, वो पढ़ने में भी थोड़ी मुश्किल तो है लेकिन आती ज़रूर है। और माशाल्लाह यहाँ खेत की बात की जाए ना, चारों तरफ अगर मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखाऊँ ना, यहाँ पर खेत ही मौजूद है, कोई भी घर नहीं है तकरीबन। और इस वक्त मैं अपनी मेन सड़क से दूर हूँ तो माशाल्लाह वहाँ वो देखो बगले उड़ गए, वो हमसे दूर चले गए। अरे अरे अरे, ये माहौल तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा माहौल देखने में कम ही मिलता है शहरों में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है खेत लंबी सी कतार में बैठे हूँ, बिल्कुल सीधा डायरेक्शन है इनकी, बिल्कुल सीधा। और थोड़े से इधर भी बैठे हैं लेकिन ज़्यादातर इधर बैठे हुए लंबी कतार है। इस बन्ने की तरफ अगर आप गौर करें तो अभी ये जो है इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उड़े और आपको माहौल जो है दिखाया जाए। वो देखो भागे जा रहा है उसे उड़ाने के लिए, वो ले उड़ गए। और वो वापस आ गए,